रामनवमी के शुभ अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र पलामू एवं देश के तमाम वासियों को मेरी ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर के भाईचारे के साथ रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बोकारो के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोमिया प्रखंड के झुमरा पहाड़ के तलहटी में बसे रोला गांव के किसान अनिल कुमार महतो ने सोशल मीडिया से मिली जानकारी के प्रभाव में आने से ठगी के शिकार हो गए। दरअसल यह पूरा मामला केसर की खेती से जुड़ा हुआ था। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार इन्होंने अमेरिकन केसर की खेती कर लाखों करोड़ों कमाने के झांसे में आकर अपने दो अन्य किसानों के साथ मिलकर 80 डिसमिल जमीन पर अमेरिकन केसर की खेती कर डाली। खेत में फसल पककर तैयार हुआ तो ये बहुत खुश हुए, लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रह सकी। केसर का खेती हमको आइडिया आया, कहीं कहीं सुने थे और यूट्यूब में देख रहे थे, यूट्यूब के माध्यम से देखे थे, सोचे केसर का खेती करेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, इसमें लाभ होगा ताकि आगे कुछ विकास का काम करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से ही केसर का हमको जानकारी मिला। कितना जगह में किया? यही तो 80-90 डिसमिल के लगभग में है मेरा, और दो बगल में दो किसान और लगाया है 1.5 एकड़ में। हाँ, एक चीज़ बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही यही कि मैंने तो मेहनत करके लगा लिए, उपजा भी लिए, मेहनत करके फूल जो है उसको भी तोड़ के रख रहे हैं सुखा के घर में, लेकिन बेचेंगे कहाँ, इसका मार्केट कहाँ पता नहीं चल रहा। क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं, थोड़ा इसका मार्केट का व्यवस्था करें और बेचवाने का। जितना खर रहा है ना किसान के, जितना खाता बेचारा पसीने पसीने होकर, ये खरते खरते यही हो गया। हम लोग तो गम लगाए उन्होंने निकाल लिए, लेकिन इसी में पड़ा है बेचारा। अब इसको पड़ल है, फिर पड़ल अभी पड़ले है, फिर इसको इसमें का होगा नहीं होगा इसको पता नहीं चल रहा। अभी माटी का सामान है, सरकार से यही हम कहना चाहते हैं, इसको बाजार में कहीं बेचवाने काम कीजिए, तो अगला किसान और जागे झारखंड में, जो आपको खेती लगावे तो झारखंड का नाम होगा। यही हम कहना चाहते हैं, रोजगार रोजगार मिलेगा आपका। जैसे हम लगाए थे 20 गो तोड़ रहा है, 20 गो रोजी हो रहा है, गरीब का फुलवा तोड़ रहा है, 100 रुपया है हाजिरी तोड़ रहा है। तो इसलिए सरकार से ये कहना चाहते हैं, अभी 50 गज में रोजी हो रहा है, इसमें ये किसान लगा, 50 किसान लगाएगा तो कितना जिएगा, जिसको बेचवाने का खाली मार्केट हम लोग का कहीं व्यवस्था किया जाए, सरकार से यही कहना चाहते हैं। कुछ अच्छा लगा देखने में, इसको बेचने का दिक्कत हो रहा है, बेचवाने का काम कीजिए थोड़ा। कितना मेहनत किए इसमें? मेहनत तो बहुत ज़्यादा किए हैं, पहले बंजर था खेती, इसको जोत जो के जमीन था बंजर, पहले बहुत जोते इसको, उसके बाद लगाए हैं, मेहनत तो फर्स्ट टेस्ट कर रहे हैं अभी तक, मेहनत तो करते हैं, अभी तक बेचने का काम अभी हुआ नहीं। क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ही चाहते हैं इसका बेचवाने का काम थोड़ा मार्केट में करवा दीजिए बस। पौधे तो केसर के पौधों की तरह दिखते थे, लेकिन दरअसल यह केसर का पौधा था ही नहीं। अनिल ने बताया कि इन्होंने इसकी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त की थी और फिर ऑनलाइन इसके बीज मंगाकर इसकी खेती आरंभ की। जब फसल पककर तैयार हुआ तो वे काफ़ी खुश हुए, लेकिन इनकी केसर की खेती बाज़ार में नहीं मिला तो उन्हें ठग के जाने का एहसास हो गया। अब तो सरकार से अपनी फसल बेचवाने की गुहार लगा रहे हैं। विश्व में केसर की खेती भारत के कश्मीर सहित ईरान और स्पेन में भी होती है। इन्हें तो बीज ऑनलाइन दिया गया, वो कुसुम के बीज थे जो बहुत हद तक अमेरिकन केसर के से मिलता जुलता है, जिन्हें केसर बताकर इन भोले भाले किसानों को ठगी का शिकार बनाया गया। फसल नहीं बिकता देख अब उन्हें ठगे जाने का एहसास हो चुका है, फिर भी भुक्तभोगी किसान अपनी फसल बिक जाने की उम्मीद पाले बैठे हैं। किसी तरह उनकी फसल बिके और वे अपने नुकसान की भरपाई कर पाए। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। आफत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है।
तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।